सुबह उठते से ही टेंशन, आज दिन भर कितनी पढ़ाई करनी है, रनिंग के लिए जाना था लेट हो गया, ये करना है वो करना है, इतना सारा काम पेंडिंग है। सुबह उठते से ही टेंशन मत लिया करो, दिन के हिसाब से अपनी शुरुआत मत करो, अपने हिसाब से दिन की शुरुआत करो। एक गाड़ी भी तभी ठीक से स्पीड पकड़ती है जब आप पहला गियर, फिर दूसरा गियर और जब जरूरत होती है तब टॉप गियर डालते हो। अगर गाड़ी को पांचवे गियर से ही चलाना शुरू कर दोगे तो इंजन खराब हो जाएगा। अरे दिन की शुरुआत में कम से कम 5 मिनट तो शांति के अपने लिए निकालो जो सिर्फ और सिर्फ आपके हो। खुली हवा में 5 मिनट के लिए गहरी सांसें ले लो, इससे बेहतर मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। मोबाइल को तकिए के नीचे रखकर सोना, साथ रखकर सोना बंद कर दो। अलार्म लगाना है तो एक अलार्म घड़ी खरीद लो, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही नोटिफिकेशन चेक करने की यह जो बीमारी आपने लगा ली है, ये आपको सोचने ही नहीं देगी कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है। कोई भी नोटिफिकेशन आपकी दिन की शुरुआत से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना मोबाइल चेक नहीं करोगे तो ये दुनिया चलना बंद नहीं हो जाएगी। सबसे पहले अपने दिन की एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, उसके बाद ही मोबाइल चलाओ। सुबह उठकर एक बार अपने आप को यह याद जरूर दिलाओ कि आप क्या हो, आपके पास क्या काबिलियत है और आप लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो। ये बात आपको चिल्ला चिल्ला कर किसी और को नहीं बताना है, बल्कि मन में खुद को याद दिलाना है। इस चीज की आदत डाल लोगे तो कभी कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, कभी फोकस भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है उसे याद करो, आपको लाइफ में जो भी अच्छा मिला है उसके लिए नेचर को शुक्रिया कहो, आपके पास अच्छी हेल्थ है या अच्छे दोस्त हैं या जो भी चीज आपके मन को खुशी देने वाली है उसे एक बार याद जरूर करो। यकीन मानिए ऐसा करने से आपके मन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लेकिन बहुत से लोग हमेशा बुरी चीजों को याद करके रोते रहते हैं। वो सारी जिंदगी रोते ही रहेंगे, लेकिन आप उनसे अलग हैं। इसीलिए हमेशा सुबह अच्छी चीजों को याद कीजिए, खुद को सपने दिखाओ, आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि आप वह बन गए हैं, आपने वह सब कुछ पा लिया है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है। दोस्तों विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ बदल सकता है। ये सभी 5 कामों को करने में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है तो इससे कहीं ज्यादा समय आप फालतू के पोस्ट पढ़कर, बेफजूल के वीडियो देखकर बर्बाद कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि अगर आपके पास 24 घंटे में से अपने लिए 10 मिनट भी नहीं है तो शायद आप गूगल के CEO से भी ज्यादा व्यस्त इंसान हैं। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो मुझे फॉलो करने के बजाय वीडियो में कही गई बातों को फॉलो कीजिए। और हाँ, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक कहानी, जिसे सुनकर आपको अपनी लाइफ की बहुत सारी परेशानियों से 5 मिनट में छुटकारा मिल जाएगा। कहानी के ऑडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, समय निकालकर सुनिएगा जरूर सिर्फ खबरी ऐप पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपको दिखाए जिंदगी जीने की एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।